बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। किस खातून सियासतदान की बेहतर ड्रेसिंग सेंस है, फिरदौस आशिक ईवान, मारवी मेमन या फरजाना राजा? बेहतर मैं किसी को नाराज करना पड़ेगा आपको। देखिए मैं अगर हसन लोग सुनना चाहते हैं आपसे, मैं जब कई दफा जब क्रिकेट के दिनों पे ना, तो मुझे कई दफा टेलीफोन आता था कि मैं वो खातून हूं, मैंने ये कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, मुझे आज तक कभी या मैंने वो हार पहना हुआ था ना, मैंने आज तक कभी किसी की ज्वेलरी देखी है। हाँ। ना मुझे पता है कि ज्वेलरी क्या है, ना मैंने कपड़े नोटिस, अगर तो बुरे लग रहे हो कपड़े नोटिस करता हूँ, या बहुत अच्छे लग रहे हो तो शायद नोटिस करता हूँ। मैं एक चीज कहूँ कि ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड आया जीन्स का, लड़कियां जीन्स पहनती हैं, मैं अपनी बीवी को, एक्स वाइफ को, जुमायमा को, मैं जितनी वो शलवार कमीज में अच्छी लगती थी, कभी भी वो मगरबी लिबास में उतनी अच्छी नहीं। अच्छा। मैं अभी भी कहता हूँ कि जितना अच्छी सलवार कमीज के अंदर जो भी हो, प्रिंसेस डायना पाकिस्तान आई, उसने भी जुमायमा को देखा, उसने भी सलवार कमीज पहनी, यानी क्योंकि सलवार कमीज बड़ा एलिगेंट ड्रेस है। हम कई दफा, जरूरी नहीं होता कि माशरा आगे बढ़ रहा है और सही तरफ जा रहा है, जब हम किसी को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ट्रेंड है, ये किसी को हम कॉपी, ये इंडिया से जो आई है, मैं इसे एग्री नहीं करता। मैं सिर्फ ओवरऑल कपड़ों की बात कर रहा हूं कि जो कई दफा अच्छी सलवार कमीज में बड़ी एलिगेंट लगती हैं औरतें, एलिगेंट लफ्स, एलिगेंट इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, अच्छी बात है, इसमें बार्स और त्रेस दोनों नहीं लगती इसमें।